बात पता क्या भाई लोग, ये जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ आता है ना, इसके पापा नहीं आया, तो मतलब इस चीज का मेरे को बहुत दुख होता है। तो ना मैंने इसके लिए न्यू GoPro Hero 9 जो है भाई से लिया। इसके फेस पे अगर मेरी वजह से एक स्माइल आ जाएगी, मुझे इसे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। ओ, क्या बात है, थोड़ा 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 थोड़ा। ये देखो नीचे से Kawasaki की ब्रांडिंग आती है नीचे वाली साइड से, और बहुत प्रीमियम लगता है ऐसे, मतलब देखने में भी लुक इसकी ना। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हम दोनों बाइक से करते हैं। राइट में हमारी वुल्फ एंड लेफ्ट में हमारा ड्रीम। एक बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि ना तुम ड्रीम को भूल ही गए भाई, तुम इसको राइड ही नहीं करते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि ना मैंने इस बाइक को कैसे पाया हुआ एंड कितने पापड़ मुझे बेलने पड़े भाई इस बाइक के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, घर वाले नहीं लेके दे रहे थे, लेकिन मैंने स्टिल मैनेज करके इसको खरीदा था। उस दिन ना 5 दिन हमारा व्लॉग नहीं आया था, फिर हमने इसको परचेज किया भाई। ना वुल्फ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है भाई, क्योंकि ना हमने इसको मॉडिफाई कराया, साथ में एग्जॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें डलवाई, उसमें ना टाइम लग गया। एंड आज मुझे ना ड्रीम को लेकर जाना था बाहर, लेकिन स्टिल मैंने ना वुल्फ की चाबी लाई हुई है, क्योंकि भाई मुझे ना आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनानी है। एंड आपको ना एक और चीज़ बतानी है, जो भाई DB किलर लगा हुआ है ना इसमें, जैसे पीछे देख पा रहे हो तुम, ये देखो भाई एक नट लगा हुआ है इसके अंदर से, तो जब मैं ये नट खोल दूंगा ना भाई, तो अभी इससे भी गंदी तबाही वाली आवाज़ निकालती है। अभी तुम्हें मैं ये दिखाता हूँ भाई, ये नॉर्मल साउंड है भाई DB किलर लगा के, ये देखो नॉर्मल DB किलर लगा हुआ है अभी। एंड लेफ्ट में तुम चेक करो, क्या बात है, स्कूल से आ गए। डीबी किलर निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं निकालना है। अब देखो कितनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस। बुलेट है। बुलेट नहीं है भाई, ये RS है। देखना मैं थ्रॉटल दूंगा भाई। डीबी किलर जब निकालेंगे ना, तब इससे भी अच्छी साउंड निकालेगा। Here is our dream and आज ना हम इसको लेके जाएंगे। हम आज इसलिए इसको लेके जाएंगे क्योंकि ना इसमें ना पावर बहुत ज्यादा है। एक्चुअली परसों हम निंजा भगा रहे थे ना 300 वुल्फ के साथ, वो भाग नहीं पा रहा था। इस बाइक को लाने का यही फन है, इसमें पावर बहुत ज्यादा होती है। आज ना मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी है क्योंकि ना भाई वो मैली हो गई थी, मैं ब्लॉग देख रहा था अपना ही भाई, उसमें ना यहाँ मैल दिख रही थी, मेरे को इतनी शर्म आ रही थी ना। वॉश करते हैं आज। हाँ, आज अपनी पावरफुल मशीन को लेके आए भाई हम। इसमें ना फ्यूल भी कम है, ना इसको हम वॉश करते हैं ना इसकी केयर करते हैं, बहुत नाराज हो गया होगा हमसे ये। अबे ये ना आराम से टायर के नीचे नहीं आना भाई, ये क्यूट मंकीज बहुत अच्छे होते हैं यार, मेरे को इनकी बड़ी टेंशन रहती है क्योंकि ना ये क्रॉसिंग करते रहते हैं भाई इस वाले रोड पे। इसमें एक चीज़ बोलूँ भाई, इस पे ना मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। जो ड्रीम है ना हमारा, बहुत पावरफुल मशीन है यार, तभी मैं आज इसको लेके आया हूँ। आज वाले ब्लॉग में ना हम इसको निंजा 300 के साथ भगाएंगे, लेट्स सी देखते हैं पावर का क्या कंपैरिजन रहता है। एंड मुझे लगता है ना भाई हमारी RC 390 ना उसको पीछे छोड़ देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। 400 CC की कोई भी बाइक लो, KTM RC 390 के बराबर नहीं भाग सकती यार। अभी काफी बंदे बोल रहे थे आपके पास कौन सा GoPro है, मेरे पास ना Hero 9 है भाई। एंड साथ में मैं ना रोड की माइक यूज करता हूँ, वो 6000 रुपीज वाली होती है ना, वो सबसे अच्छी माइक है क्योंकि ना उसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, मतलब नॉइज कैंसिलेशन होता है। मान लो बाहर अगर ज्यादा शोर है ना, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज ज्यादा अच्छी आती है। तुम्हें भी मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लेना होगा, तो अगर तुम बिगिनर हो भाई तो ना Boya M1 Pro माइक यूज किया करो, 1600 समथिंग की माइक आती है, मैं भी वही यूज करता था पहले। प्रो वाला मॉडल लेना क्योंकि बिगिनर के लिए ना वो माइक बहुत अच्छी है, उसमें नॉइज कैंसिलेशन भी है, ठीक है। मैं सोचता हूँ ना कि अगर मेरे को कुछ चीज पता हो तो दूसरे को भी पता चलनी चाहिए यार। मेन चीज जो होती है ना वो माइक की प्लेसमेंट होती है, तुम माइक कहाँ रखते हो हेलमेट के अंदर से, ताकि तुम्हारी आवाज अच्छी आनी चाहिए। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे माउथ के बिल्कुल पास में माइक, ओके, तो तभी मैं अच्छे से आपसे बात कर पा रहा हूँ। अभी मैंने निंजा वाले भैया को भी बुला दिया हुआ है, तो जब तक वो आते हैं तब तक हम अपने ड्रीम को वॉश करेंगे भाई। बहुत गंदा हो गया, मैं तुम्हें टायर में दिखाता हूँ कितनी ज्यादा गंद लगी हुई है इसमें। हमारा बंदा कहाँ पे, देखो 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 कैसे आ गया वहां से बाइक वॉश करने के लिए। ठीक हो भाई, ये होता है सब्सक्राइबर्स का प्यार। देखो कितने ज्यादा गंदे इसके अंदर वाली साइड से भाई। ये मेरे को चलाने दे देगा, ये जो ऐसे फुहारा सा बजता है, दे दे मैं चलाता हूँ। कैसे कैसे चलेगा बताओ इसे, थोड़ा थोड़ा। देखो भाई गन लेके। ओ, क्या बात है, थोड़ा 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 भाई, ज्यादा तो नहीं हो गया भाई भाई मजा आ गया। ये देखो ये आज इमोशनल हो गया हुआ, इसको GoPro नहीं मिल रहा भाई, आज इसने व्लॉग ही नहीं किया हुआ है, बोलता मेरे पास कैमरा नहीं है। मैंने इसके साथ बात की है फ्रेंड के साथ, इसके पास ना भाई ये फोन है, इसकी वजह से इसका कैमरा वगैरह साफ नहीं आता, एंगल थोड़ा परेशान हो गया हुआ है। कोई बात नहीं यार, आज शाम को GoPro दिला देंगे भाई। सो फाइनली गाइस, ये रहा हमारा निंजा भाई, तो आज हम इसको लेके आएंगे अपने ड्रीम के साथ कंपैरिजन करने के लिए। तो भाई पहले निकालते हैं इसको यहाँ से। हाल है, ठीक हो? तो काफी बच्चे पढ़ के आए स्कूल से खुश खुशी से, तो ये चेक करो भाई कितना प्यारा बाइक है भाई। सामने से ना एकदम से सुपर बाइक की तरह शेप दी हुई है इसमें ना, 39 BHP है भाई। तो RC 390 का तो ज्यादा BHP है, उसका 43 समथिंग है, लेकिन ये ना भागती ज्यादा क्योंकि भाई ये ना ड्यूल सिलेंडर बाइक है, तो इसमें एग्जॉस्ट जो अभी भैया ने फिट किया ना, ये कंपनी फिटेड वाला है। तो पहले बोलता नया लगाया था और 12,000 का एरो का लिया था, कोई मतलब फर्स्ट कॉपी वगैरह। तो निंजा में ये वाला एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था भाई, ये देख रहे हो तुम, ये सेम जो RS 200 में मेरी वाली में पड़ा है, निकाल दिया, सिंपल रखा हुआ। इसमें इसका जो टैंक ना भाई ये बहुत बड़ा है, इसमें ना
17 लीटर पेट्रोल लगता है भाई, इतना बड़ा टैंक है। ये देखो नीचे से कवासाकी की ब्रांडिंग आती है नीचे वाली साइड से, और बहुत प्रीमियम लगता है ऐसे, मतलब देखने में भी लुक इसकी ना। और कॉर्नर ये ABS भी आई थिंक इस वाली बाइक में। अभी ड्रीम हमारा जब वॉश हो जाएगा ना, फिर चलते हम राइड पे दोनों बाइक्स को लेके। सामने की लुक तुम्हें दिखाऊं तो ऐसा लगता है भाई सामने से देखो, एकदम से सुपर बाइक की शेप है। और ये देखो भाई ड्यूल सिलेंडर है अंदर से, देखो तुम देख पा रहे दो पाइप से ऐसे करके। पिछला वाला टायर है ना वो कंपनी फिटेड जो है ना 140 सेक्शन का आता है, एंड फ्रंट वाला जो है 110 का आता है। ये वाला थोड़ा पतला है यार, थोड़ा मोटा होना चाहिए था भाई। RC 390 में तो भाई 150 का टायर आता है पिछला वाला, बड़ा ब्रॉड होता है वो। ये देखो कितना पतला साइज में यार, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को, लेकिन होना चाहिए था थोड़ा, इतना ब्रॉड तो होना चाहिए था 160 तक। हमारा ड्रीम भी वॉश हो गया जैसे तुम देख पा रहे हो। भाई ने क्या वॉशिंग करी है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अभी नई बाइक परचेज करके लाया हो। ये देखो भाई मैं ना इसको इतने दिनों से चला नहीं रहा था ना, यहाँ पे देख रहे हो जंग भी लगी हुई है। अब इसको हम राइड किया करेंगे भाई। यार सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगती है, RC की ब्रांडिंग जो होती है ना यहाँ पे, ये देख रहे हो तुम सामने से कितनी अच्छी लग रही है भाई दोनों बाइक साथ में। अब गुस्सा है इसको ना कैमरे का, तो पता नहीं क्या करने वाला है। अब इसको मैंने बोला हमारी बाइक की ना चेन लूप करते हैं, घुमाते जा घुमाते जा। भाई तो आपने राइडिंग जैकेट वगैरह भी लगा दी है? हाँ मैंने भी लगाई हुई थी, लेकिन मेन चीज थी उसमें थोड़ा डस्ट लगा हुआ था, इसे मैंने निकाल दी। आईफोन 14 लगाया कि 13 प्रो है? 13 प्रो लगाया भाई ने सामने, माइक है ही नहीं। लेकिन भाई साहब पता क्या चक्कर है, मेरे साथ माइक सूट नहीं कर रहा, तो वही मैं भाई को कह रहा था कि मेरे को हाँ, तो माइक कोई अच्छी सी सजेस्ट करेंगे भाई को अभी, ताकि आवाज भी अच्छी साफ आनी चाहिए ना। ड्रीम में पावर वाला पेट्रोल डालेंगे ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या फर्क रहता है। भाई तुम्हें 500 रुपए वाले पेट्रोल में ना फुल हो जाता है पूरा इसका टैंक। यहां से निकलते हैं हम एक छोटी सी राइड पे, टेस्ट करते हैं भाई निंजा 300 वर्सेस KTM RC 390। सो गाइस अभी हम कर रहे थे KTM RC 390 वर्सेस निंजा, लेकिन अभी तक तो भाई 4 बज गए हैं, हमने अभी व्लॉग ही शूट कर रहे हैं। एक्चुअली मेन टेंशन ये हो गई कि जो मेरा फ्रेंड था ना यहाँ पे, जैसे तुम देख पा रहे हो इसको ना कैमरा मतलब नहीं है सर, बहुत परेशान है, सुबह से मेरे को बोल रहा है कैमरा लेना है। फाइनली जो है हमने इसकी ना एक डील करवा दी है, जैसे देख रहे हो न्यू GoPro Hero 9 भाई, एंड ये लिया हमने JP से। तो JP भाई हमारे साथ, हमारा भाई अभी जस्ट नया लिया था इन्होंने, देखो इसमें सील भी लगी हुई है रेड कलर की ना, उतारना मेरे सामने देखना व्लॉग में दिखा, खुशी खुशी देखो भाई इसके चेहरे पे। साथ में क्या क्या इसके? वो डब्बा कल दे दो, डब्बा नहीं लेके आया वो साथ में। तो भाई बोल रहे भाई डब्बा शब्बा अभी साथ में नहीं है, तो अभी बस GoPro ही है। अभी हमें कितने का पड़ा है? 32,000 का पड़ा भाई। चलो yeah. अच्छी डील में पड़ गया यार, 40 का लिया था बाइक के लिए सपोर्ट, 40 का लिया था और 32 में भैया को दे दिया, तो 32 का भाई JP ने दे दिया। अब ये बहुत ज्यादा खुश है यार, मैं सोचता हूँ ना कोई सैड ना हो भाई, सारे खुश होने चाहिए। अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो ना तो करो भाई, क्यों नहीं, ठीक है? बिल्कुल, थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा है यार, कोई बात नहीं। बात पता क्या भाई लोग, ये जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ आता है ना, इसके पापा नहीं आया, तो मतलब इस चीज का मेरे को बहुत दुख होता है। तो ना मैं हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करता हूँ ना, मेरा दिल बहुत नरम है। तो जब इसका आज मूड ऑफ था ना, जैसे मैंने सर्विस स्टेशन में तुम्हें दिखाया ना, थोड़ा ऑफ सा था मूड, ये व्लॉग भी नहीं कर रहा था। इसके फेस पे अगर मेरी वजह से एक स्माइल आ जाएगी, मुझे इसे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। जो हम रेस करने वाले थे ना निंजा वर्सेस KTM आज, तो वो भी नहीं हो पाई, बिया चले गए, क्योंकि ना हमने बहुत लेट करा दिया इस कैमरे को परचेज करने। यहाँ पे देख रहे हो भाई कैमरा है ही नहीं इसको, सामने कैमरे के बिना घर जा रहा भाई। ये देखो भाई एग्जॉस्ट जो मैं कल वाला एग्जॉस्ट में तुम्हें दिखा रहा था ना भाई, वो कॉपी था इसका, ये जो इसने लगाया अल्फा की क्या लगा, ये तो ओरिजिनल पड़ा हुआ है ना, बहुत लाउड है ये। 80 का टायर डलवाया पीछे बैक साइड वाला, बहुत प्रीमियम लग रही है इससे, ऐसा लग रहा कोई बड़ा कोई मशीन आ रही है। देखो यहाँ पे कितनी सारी बाइक्स हो गई तुम देख रहे हो, यहाँ पे पिट स्टॉप के बाद दूसरी ऐसी जगह बन गई है मतलब, जहाँ इतनी सारी बाइक्स आती है यार। हमारा तो सिंपल एग्जॉस्ट है ये देखो भाई, हम तो यही सुनाएंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है भाई। तो यहाँ पे चेक कर रहे हो कितनी सारी बाइक्स आई गई भाई 2 मिनट में भाई, कसम से यार मजा आ गया। सामने चल रही है RS 200, एंड पहले हम इसे पास लेते हैं यार, रेस करेगा वो बहुत भाग रही है भाई, BS4 RC क्या बात है भाई, खतरनाक पावर देखो तुम BS4 की यार। बाकी तो लीन पे आपका भाई आगे निकल जाता है यार, वो टेंशन नहीं है, हमें बीच में ब्रेक दे देता है यार पागल। लीन चेक करो, आ मजा आ गया भाई। RC पे ना लीन का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है कसम से, मतलब यहाँ पे ना ग्रिप बनती है इस पे। तेरा स्ट्रेट में ज्यादा भागता है, इसमें पावर ज्यादा है BS4 में, लेकिन लीन पे देख भाई। सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारे अच्छे अच्छे भाई मिल गए थे जिनके साथ हमें मिलके बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच भाई, नाइस टू मीट यू, थैंक्स भाई यार। क्या नाम है आपका? ग्रे वाइल्ड वुल्फ, क्या बात है भाई, बहुत सही बहुत सही। ग्रे वाइल्ड वुल्फ
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल, बाय।